हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, इरेशनलिटी। हम किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे ये हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो इरेशनल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इरेशनलिटी के, तो मैं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, साथ के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपसे कहेगा प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आप कैसे प्रूफ करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उसे कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है हम क्या करेंगे, विरोधाभास यानी विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेंगे, हमारे चीज को कैसे ही अपोज करेगा। सबसे पहले समझिए हम क्या करेंगे, रूट टू को क्या करेंगे, रैशनल मानेंगे। रैशनल मानेंगे और रैशनल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। जब रैशनल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे तो जब आगे जब प्रॉपर्टीज हम फॉलो कर रहे होंगे तो ये नंबर रूट टू रैशनल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा। जब रैशनल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या होगा, रैशनल नहीं होगा। जब रैशनल नहीं होगा तो ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो मेथड कौन सा यूज करेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है इसे करने के लिए किस चीज की हमें हेल्प चाहिए, तो वो है आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है थ्योरम 1.3। थ्योरम नंबर 1.3 क्या है, इसका स्टेटमेंट, इफ पी इज ए प्राइम नंबर, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड P divides A square, then P divides A also। क्या लिखा है यहां, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर P कोई प्राइम नंबर है और P किसी नंबर A के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि P किस पर डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि आपको पता है 3 एक प्राइम नंबर है, 3 क्या करता है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो आपको पता है 3 225 को डिवाइड करता है, तो साथ के साथ 3 15 को भी डिवाइड करता है, यानी 3 अगर 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 15 को भी डिवाइड करेगा। ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट था। अगर आप चाहते हैं मैं थ्योरम को एक्सप्लेन करूं तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती थ्योरम का स्टेटमेंट तो आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको थ्योरम नहीं समझ में आती तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके हेल्प से हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इरेशनलिटी के जो भी क्वेश्चन है आपको करने का एक प्रोसेस पता होना चाहिए, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होने कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है, एंड रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो आपको पता है P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। अब P अपॉन Q की जगह मैंने A अपॉन B ले लिया है तो आपको पता है क्या है, रूट टू एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है तो रूट टू किसके बराबर होगा, A अपॉन B के बराबर होगा। वेयर A एंड V आर को प्राइम। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब टू वो ए और वी में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। क्लियर,
तो देन आपको पता है यहां से क्या मिलेगा, ये इधर आएगा तो ए इक्वल मिल जाएगा रूट टू वी, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू वी स्क्वायर, क्या किया था ऑन स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स दोनों साइड स्क्वायर करने पर। आपको पता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट, रिमाइंडर है ही नहीं, जीरो है, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट है, इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर क्या होगा इट्स डिवीजर टू से टोटली डिवाइड होगा, तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई टू, जब ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू है देन ए किसे वाई थ्योरम, कौन सी थ्योरम है हमारी 1.3, ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई टू। समझ लेते हैं हमारी थ्योरम ने क्या बोला था, अगर पी कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड करेगा, यहां देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 किसको a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवाइड कौन होता है, 2 से 2 डिवाइड होता है, 4 6 8 यही तो डिवाइड होते हैं, और ये जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे 2 के टेबल में आते हैं, और जो 2 के टेबल में आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो यहां इसका मतलब क्या है अगर a 2 से डिवाइडेड हो रहा है तो a क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा, और 2 के मल्टीपल को 2m से लिखते हैं, तो हम यहां लिख लेते हैं लेट ए इक्वल 2m। अब ये ए इक्वल 2m कहां लगाएंगे हम, फर्स्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा हमें, एक ही जगह कितना लगाना है 2m, तो ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर इक्वल 2v स्क्वायर। जब इसे आगे सॉल्व करोगे आप तो कितना मिलेगा, 2m का होल स्क्वायर होता है बेटा 4m स्क्वायर इक्वल 2v स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो यहां से हो जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर। आपने देखा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट, यानी 2 से यहां v स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर is divided by y2, v square किससे divided है 2 से divided है, जब v square 2 से divided है then y theorem, कौन सी theorem 1.3, v is also divided by। आपने देखा था यहां a 2 से डिवाइडेड है, यहां v 2 से डिवाइडेड है, यानी a और v दोनों 2 से डिवाइडेड है, अगर a और v दोनों 2 से डिवाइडेड है इसका मतलब क्या है a और v में दोनों में ही कौन फैक्टर मिलेगा, कौन 2, तो हियर वी कैन से क्या कह सकते हैं हम लोग, we can say that a and v both have at least 2 as common factor, yahan se keh sakte hain ki jo a aur v dono hi hain dono mein hi kya hai 2, कम से कम 2 तो क्या है कॉमन फैक्टर है ही, ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता है कि हमने a और v क्या माने थे, कोप्राइम माने थे, देन दिस कंट्राडिक्ट अवर एग्जम्पशन, ये क्या कर रहा है कंट्राडिक्ट कर रहा है, किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एग्जम्पशन को, यानी हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने कि
रूट टू बराबर है ए अपॉन बी की, ए और बी को प्राइम है, यहां क्या आ गया ए और बी में कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये क्या कर रहा है कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एग्जम्पशन को, कौन सा एग्जम्पशन था दैट ए एंड वी आर को प्राइम, इससे क्या कर रहा है ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो देन हेंस अवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एग्जम्पशन क्या हो गया रॉन्ग हो गया, तो जब हमारा एग्जम्पशन रॉन्ग हो गया तो क्या लिखेंगे अब हम यहां वी, देन वी कंक्लूड दैट क्या कंक्लूड कर रहे हैं रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रूट टू क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा, क्लियर। तो कैसे क्वेश्चन को लिखना है आप लोग समझ गए, आपने देखा था कि हमने इसे क्या मान लिया था रैशनल मान लिया था, रैशनल की कंडीशन फॉलो की, तो यहां पे देखा कि रैशनल में क्या माना था हमने ए और बी को प्राइम माने थे, यहाँ ए और बी में क्या आ गया कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये रैशनल तो होगा नहीं, इसका मतलब हमारा एग्जम्पशन गलत था, तो जब रैशनल नहीं है तो क्या होगा इरेशनल होगा, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए यहाँ रूट टू की जगह कितना बोल दिया जाए रूट थ्री बोल दिया जाए, तो क्या करेंगे आप यहाँ रूट थ्री लिख लेंगे, इधर भी रूट थ्री हो जाएगा, अब यहाँ रूट थ्री और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, अब a square is divided by 3 हो जाएगा, तो then a is also divided by 3 हो जाएगा, जब a 3 से divided है तो 3 का multiple होगा तो 3m हो जाएगा, जब 3m put करेंगे जाके तो 3m का whole square equal 3v square, और 3m का whole square क्या हो जाएगा 9m square equal 3v square, 3 से 9 को divide करेंगे 3m square, आपने देखा कि v square किससे divided दिख रहा है 3 से, तो v भी किससे divided होगा 3 से, जब v 3 से divided है तो आपने देखा यहाँ a और b में दोनों में क्या मिल रहा है थ्री कॉमन फैक्टर मिल रहा है, लेकिन हमें पता था a और b क्या थे कोप्राइम थे, तो हमारा एग्जम्पशन गलत होगा, तो रूट थ्री क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे रूट फाइव कर सकते हैं, रूट सेवन कर सकते हैं, रूट इलेवन कर सकते हैं, सारे नंबर्स को ऐसे प्रूव कर सकते हैं इरेशनल, क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब जो सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे बनेंगे वो देख लीजिएगा, आपसे बोलेगा प्रूव दैट 2 प्लस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर क्या बोल सकते हैं आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं, थर्ड टाइप के बोलेंगे प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे देखिएगा ध्यान से, आपको प्रूफ करना है 2 प्लस 3 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, सेम वैसे कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, तो लिखेंगे एज्यूम दैट टू प्लस थ्री रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर, क्या है रैशनल नंबर है, एंड और साथ के साथ क्या है एंड टू प्लस थ्री रूट फाइव इज इक्वल टू है किसके इक्वल है पी अपॉन क्यू के, आपको पता है ये रैशनल है तो रैशनल है पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा, वेयर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने वहां जो A और B लिया था A और B को कोप्राइम लिया था, वहां कोप्राइम लेना एक कंडीशन बनाई थी हम लोगों ने, बाद में देखा था कि वहां कॉमन फैक्टर आ गया था, तो इसलिए हमने वहां कोप्राइम लिया था, हमें कोप्राइम की हेल्प से ही उस क्वेश्चन को करना था, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आप कोप्राइम ले,
आप इंटीजर्स ले सकते हैं। जब इंटीजर्स लेंगे तो आपको पता है पी अपॉन क्यू इंटीजर, वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है और पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू जीरो नहीं है, यही तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। क्लियर? अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हम जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में रूट वाले वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यूज होंगी उनको धीमे धीमे उधर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 3√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, क्यू एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा पी माइनस 2q, ये डिवाइड में जाएगा तो √5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पी माइनस 2q अपॉन 3q। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे, आपको पता है यहां जो आरएचएस में जो वैल्यूज आई है कौन कौन आए, दिख रहा है पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, टू दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल है। क्यों रैशनल है, पी और क्यू तो इंटीजर थे तो सारे इंटीजर होते हैं, रैशनल होते हैं, टू और थ्री भी इंटीजर है, इंटीजर सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो लिखेंगे सिंस पी कॉमा क्यू कॉमा टू एंड थ्री ऑल आर रैशनल नंबर, सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है, देन वाई क्लोजर लॉ। अब ये क्लोजर लॉ क्या है, क्लोजर लॉ से मतलब होता है जिस चीज को आप ऑपरेट करें वही लौट के आ जाए, तो उसे क्लोजर लॉ फॉलो कर रहे हो। आप लोगों ने 7th-8th में क्लोजर लॉ पढ़े होंगे एडिशन के लिए, इंटीजर्स के लिए, दो इंटीजर्स को अगर ऐड करें तो आपको पता है इंटीजर्स ही आता है, ऐसे ही किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। तो अगर हम कोई दो रैशनल को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें, आपको पता है एक रैशनल ही आता है, तो रैशनल जो नंबर है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबके लिए क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। तो यहां आपको पता है ये जो भी है ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को चाहे माइनस करें चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें आएगा रैशनली। तो वाई क्लोजर लॉ p माइनस 2q अपॉन 3q इज ए रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर हो गया, अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो दिस इंप्लाइज डेट, और ये किसके बराबर था, रूट फाइव के, तो दिस इंप्लाइज डेट रूट फाइव इज आल्सो ए रैशनल नंबर, इज आल्सो ए रैशनल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब ये रैशनल नंबर हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, रैशनल नंबर हो गया, कहां से हो गया, कौन सी इक्वेशन से हुआ था, फ्रॉम फर्स्ट। लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, या लिख सकते हैं वी ऑलरेडी प्रूफ, वी ऑलरेडी नो दैट रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल होता है। यहां रूट फाइव को आपको इरेशनल प्रूफ नहीं करना, रूट फाइव आप पीछे आप प्रूफ कर चुके हैं, उसी की हेल्प से लिख देंगे कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और हमारा जो आया था रूट फाइव रैशनल आया था, हमें पता है रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो ये है जो हमारे एग्जम्पशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, देन दिस contradict our assumption। ये क्या कर रहा है, हमारे assumption को contradict कर रहा है, then hence our assumption is wrong। हमारा assumption क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा। क्या assume किया था हम लोगों ने, 2+3√5 रैशनल है, तो सो वी कंक्लूड दैट, कंक्लूड दैट क्या था, 2+3√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ, समझ पाए आप लोग कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम, एज्यूम
दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर एंड, और रैशनल नंबर है उसके बाद क्या है एंड रूट टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू है p अपॉन q के, रूट टू है प्लस रूट थ्री किसके बराबर है p अपॉन q के बराबर है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है आपके इंटीजर्स है। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि हम मैंने कहा था रूट वाले तो इधर छोड़ दोगे बाकी उधर ट्रांसफर कर लोगे, तो बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या करेंगे सबसे पहले स्केयर करेंगे, ऑन स्केयरिंग। स्केयर करेंगे ऑन स्केयरिंग बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्केयर इक्वल आ जाएगा पी स्केयर अपॉन की स्केयर। स्केयर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है ए स्केयर टू प्लस बी स्केयर रूट थ्री का स्केयर थ्री प्लस टू ए बी यानी रूट टू इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू पी स्केयर अपॉन की स्केयर। उधर ट्रांसफर करोगे तो टू रूट थ्री रूट सिक्स हो जाएगा इक्वल आ जाएगा पी स्केयर अपॉन की स्केयर माइनस टू और थ्री फाइव ये इधर आगे माइनस का फाइव हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू रूट सिक्स इक्वल आ जाएगा एलसीएम लोगे क्यू स्केयर आएगा ये हो जाएगा पी स्केयर माइनस फाइव क्यू स्केयर। क्लियर टू वी आपका डिवाइड में चला जाएगा तो रूट सिक्स इक्वल आ जाएगा पी स्केयर माइनस फाइव क्यू स्केयर अपॉन टू क्यू स्केयर। ठीक है इसे जो भी है फर्स्ट डाल दीजिए आप वहीं से फिर लिखेंगे कैसे लिखेंगे आपको पता है क्या लिखना स्टार्ट करेंगे जैसे यहां लिखा था बिल्कुल वही लिखेंगे सिंस कौन कौन दिख रहा है हमें पी दिख रहा है क्यू दिख रहा है टू दिख रहा है फाइव दिख रहा है तो लिखेंगे सिंस पी क्यू टू फाइव ऑल आर रैशनल नंबर देन बाई क्लोजर लॉ और ये पूरा टर्म लिखेंगे आल्सो रैशनल। अब जब ये रैशनल है तो ये किसके बराबर था रूट सिक्स के तो यहां लिख देंगे रूट सिक्स इज आल्सो रैशनल नंबर। जब रूट सिक्स रैशनल है लेकिन हमें पता है रूट सिक्स तो क्या होता है इरेशनल होता है, जब रूट सिक्स इरेशनल होता है तो हमारा एग्जम्पशन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, जब एग्जम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो ये टू प्लस रूट थ्री क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ये करना ही चाहिए। जब मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन बताया बिल्कुल आगे सेम प्रोसेस है आपको रिपीट करना है तो आप इसे कर पाएंगे। ठीक है तो जो भी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको बुक्स में सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि इनमें क्वेश्चंस में कुछ भी बहुत नया नहीं है। ये क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप खुद से लिख के देखेंगे उतना ही आप बेस्ट कर पाएंगे क्योंकि सारे तीनों क्वेश्चंस अपने एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इस चैप्टर में जो भी था मैंने खत्म कर दिया है। अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स रहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा।